खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। दुनिया में कोविड 19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इससे अब तक 1,19,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के 31 पॉजिटिव मामले बढ़ गए हैं। इनमें से 35 तबलीगी जमात से संबंधित है। इससे राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले ज्यादा बढ़कर 660 हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें 25 जिलों में 62 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। यूपी में कोरोना के बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार पहल की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के कई जिलों में हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। इन इलाकों से कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। वहीं नोएडा में कल कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिससे नोएडा में 80 मामले हो चुके हैं। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो कल जिस तरह से लगातार मामले सामने आए हैं, जिसमें अब कुल संख्या नोएडा में 80 हो गई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसकी चेन तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी है। छावनी के एक बड़े तालाब में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए लगभग 250 से ज्यादा मछुआरे मछली का शिकार करते हुए दिखाई दिए। मछली मारते समय ये सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर छावनी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अधिकांश मछुआरे फरार हो चुके थे। कुछ मछुआरों को पुलिस ने पकड़ लिया। मछुआरों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो सरकार के निर्देश हैं, उस क्रम में मैंने कई बार लोगों को बताया भी, घर घर जाके बताया, माइक पर अनाउंस भी किया, मैंने स्वयं भी किया कि आप लोग मछली मारने का काम ना करिए, क्योंकि उसमें आप चाहे जितना भी चाहेंगे भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और इसी भीड़ को बचाने के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। लेकिन कई बार कहा हमने, मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए लोग मछली मार रहे हैं। पुलिस का सहयोग भी लिया, 2-3 दिन पुलिस वाले भी आए, डांटे भगाए, लेकिन उस क्रम में लोग भग जाते हैं, फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है, वो मारने लगते हैं। कौन-कौन मना भी किया जाता है लेकिन नहीं मान रहे हैं, तो क्या किया। यूपी के वाराणसी में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से यहां सख्ती बरती जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर पुलिस की टीमों ने जिले की सीमाओं को सील कर दिया है। इसके बाद से पुलिस की टीमें हर आने जाने वाले पर पैनी निगाह रख रही हैं। पुलिस की टीमें सोशल मीडिया पर भी निगाह रख रहे हैं। वहीं वाराणसी के शिवपुरी में सीआरपीएफ की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। चूंकि शिवपुरी इलाके को प्रशासन ने हॉटस्पॉट बनाया है, इस वजह से यहां सीआरपीएफ लगाई गई है। इस इलाके को सील कर दिया गया है। जी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक कार्य संस्कृति ही रही है कि हम सीमित संसाधनों में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयत्न करते हैं, और ये हमारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और इसी के अनुरूप हम लोग जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज पूरे देश में हर जगह जहां भी आवश्यकता के अनुरूप राहत अभियान को पूरे एक ऑपरेशनल मोड में काम कर रहे हैं। लखनऊ में कोरोना की मार से किसान परेशान है। कोरोना की वजह से आम की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन की वजह से फसलों पर कीटनाशक दवा का छिड़काव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से फसलें खराब हो गई हैं। फसलों में कीड़ा लग गया, अब ऐसे में किसानों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। आम की खेती से जुड़े किसानों और कारोबारियों की माने तो उन्हें आम के सीजन में हर साल 3 से 4 महीनों में अच्छा मुनाफा हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन के चलते 70 से 80% आम बेकार हो सकता है। किसानों पर कोरोना की मार की वजह से आम की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस के फैलते हुए असर को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया है। जहां सरकार लोगों से निरंतर अपने घरों में रहने की अपील कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के फातिमा हॉस्पिटल तिराहे के पास 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इन दोनों दुकानों पर पुलिस ने छापा मारा था, और जब
सेल और परचेज बिल मांगा तो इन दुकानदारों में कोई कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इन दोनों दुकानों को लॉकडाउन तक सील कर दिया गया है। दुकानों को सील नहीं किया गया, इनके सेल और परचेज के लिए रोक लगा दी गई है। 22 ओनली ड्रैगन कॉस्मेटिक के 22 ओनली के साथ, ठीक है। और इनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, और दूसरा कुछ सेल और परचेज रिकॉर्ड है लोग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से 22 ओनली के तहत सेल एंड परचेज पे रोक लगा दी गई है अपनी आदेश तक। देश भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जहां लोगों को घरों में रहने और साफ सफाई रखने की सलाह दे रहे हैं, वहीं महोबा के दरोगा सुनील तिवारी लोगों को गाना गाकर कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। गाना के बोल के जरिए ही लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दरोगा जी का ये अंदाज लोगों को भी खूब भा रहा है। सोशल मीडिया पर दरोगा जी की जमकर तारीफ हो रही है। पुलिस ने अनोखे अंदाज में लोगों को जागरूक किया है गाना गाकर। और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ, और इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा जानकारी लेंगे। लगातार कोरोना के जो मरीज वहां पर बढ़ रहे हैं उसको लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, जिस तरह से देखा जाए, बात लखनऊ की करें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल अनन्या, आज भी लखनऊ में 31 ऐसे केस आए हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। टोटल जो है 45 केस आए हैं, जिसमें आगरा और एक सीतापुर का केस है। लेकिन लखनऊ जो पिछले दिनों बिल्कुल ना के बराबर था, उसके बाद तबलीगी जमात से मरकज से जुड़े लोग थे, उनका जब लखनऊ आगमन हुआ तो विभिन्न जो मस्जिदों में या स्थानों पर ठहरे हुए थे उनसे और उनसे संबंधित लोगों के जब सैंपल लिए गए तो ये आंकड़ा 75 के पार पहुंच चुका है, जो लखनऊ के लिए चिंताजनक है। और बात करें टोटल की तो उत्तर प्रदेश में 716 कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं, और सबसे ज़्यादा जिसमें आगरा है, इसमें 387 केस तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या बताई जा रही है, उसमें शामिल या उनके संपर्क में आने वालों की संख्या है। यानी आधे से ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सिरदर्द। दिल्ली में जो तबलीगी जमात जो मरकज में लोग शामिल हुए थे उससे संबंधित है, हालांकि मुख्यमंत्री ने भी तमाम ऐसे राज्य है जिनके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। सीतापुर की बात करें तो पहले एक मरीज मिला था, जिसके बाद सीतापुर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। अनन्या, देखिए सीतापुर ही नहीं है, तबलीगी जमात के बाद जो मामला सामने आया, चाहे वो सीतापुर हो, मुरादाबाद हो, बस्ती हो, या कई ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार संख्या बढ़ी है। और सीतापुर में भी शुरुआती दौर में एक केस आए थे, उसके बाद जब तबलीगी जमात की बात सामने आई, वहां जो लोग गए, वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, चूंकि IV ने भी रिपोर्ट दिल्ली से राज्य सरकार को भेजी गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर जब साझा की गई, लोगों के जो सैंपल लिए गए, उसके बाद ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी सीतापुर में एक कोरोना पॉजिटिव का केस आया है, जबकि सबसे ज़्यादा लखनऊ की है और उसके बाद आगरा की है। बस्ती में भी 2 कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं, हालांकि अभी उसकी आधिकारिक बयान आना बाकी है। लेकिन आज KGMU लखनऊ के लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो चिंताजनक है, और ऐसे उत्तर प्रदेश में कई सारे लैब काम कर रहे हैं, करीब 1 दर्जन, वहाँ की भी रिपोर्ट आनी बाकी है। कल भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे 70 से ज़्यादा, और परसों 147 जो एक रिकॉर्ड था कोरोना पॉजिटिव के केस उत्तर प्रदेश में, वो सामने आए थे, जिसके बाद सरकार हरकत में है और उन सभी स्थानों को सील करने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं जहाँ पे एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा है तबलीगी जमात से जो जुड़े लोग हैं, कहीं भी ठहरे हों उनको ढूंढ निकाल लाई है, उनकी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनकी सैंपल लीजिए, जांच कराइए और सहयोग न करें तो उन पे कार्रवाई की जाए। सभी है, और अब ये लॉकडाउन 3 मई तक यानी कि 19 दिन और बढ़ गया है, तो इसको लेकर कैसे, किस तरह से लोग देख रहे हैं लॉकडाउन को, क्योंकि 21 दिन ही बहुत ज़्यादा थे जिस तरह से हम देख रहे थे, लोग उसमें भी मानने को तैयार नहीं थे, लगातार तस्वीरें ऐसी आ रही थी, तमाम ऐसे लोग थे जो घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब 19 दिन और घर में ही रहना है। बिल्कुल अनन्या, लोगों को एक आसरा था कि 21 दिन के बाद हम घर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश से विभिन्न राज्यों में जो लोग जुड़े हुए थे, रह रहे थे, मजदूरी मेहनत की वजह से रुके थे, हालांकि अधिकतर लोग घर पहुंच गए थे।
या फिर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के अलग अलग लोग फंसे हुए थे। उनको ये था कि 14 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं की जाएगी कि वो अपने घर पहुँच जाएंगे। सरकार ने भी तैयारी कर रखी थी, कई चीज़ों का काम शुरू करने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके थे, प्रधानमंत्री ने भी संकेत दिए थे, लेकिन लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस उत्तर देश भर में 1-1 हज़ार से ज़्यादा जब संख्या की बढ़नी शुरू हुई और हर राज्यों की स्थिति में बढ़ोतरी हुई तो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि 20 अप्रैल तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहेगा। वैसे लॉकडाउन 3 मई तक है, लेकिन 20 अप्रैल के बाद जो 15 अप्रैल के बाद छूट देने की बात हो रही थी वो 20 अप्रैल के बाद वो भी चिन्हित करके कि वहाँ पे एक भी कोरोना पॉजिटिव के केस हैं या नहीं उसके बाद छूट दी जाएगी। हालांकि एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ये भी है कि जो दिल्ली से मुंबई से या अन्य राज्यों से पंजाब से जो आए थे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए गए थे उनका 14 दिन की जो मियाद पूरी हो गई है, अब मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन सबको उनके घर तक उनके गंतव्य तक परिवहन की बसें या अन्य चीज़ों से हर हाल में पहुंचाया जाए और उनको 10 किलो प्रति व्यक्ति या परिवार में अगर कई व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से थोड़ा कम करके उनको राशन उपलब्ध कराया जाए, उनको घर भिजवाया जाए और ये उनको कहा जाए कि 14 दिन आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। 14 दिन जो बाहर उनको क्वारंटाइन स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन ने किया था वो पूरी होने के बाद ये निर्देश दिए, लेकिन जो और लोग आ रहे हैं और कल DM और SP को भी सख्त हिदायत दी गई है कि सभी बॉर्डर पे रखवाली की जाए क्योंकि 14, 15, 16 ये काफी सेंसिटिव दिन सरकार के लिए होंगे क्योंकि जो लोग रुके हुए थे वो निकलने की कोशिश करेंगे। इसको देखते हुए सख्त आदेश जारी किया गया है और ऐसी 44 जिले हैं जहाँ कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आ रहे हैं वो और भी सख्त होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में COVID-19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इससे अब तक 1,19,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के 31 पॉजिटिव मामले बढ़ गए हैं, इनमें से 35 तबलीगी जमात से संबंधित है। इससे राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 716 हो गए हैं। वहीं यूपी में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 लोग ठीक भी हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि आपको बता दें कि 25 जिलों में 62 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। यूपी में कोरोना के बचाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार पहल की जा रही है, इसीलिए प्रदेश के कई जिलों में हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी। इन इलाकों से कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। वहीं नोएडा में कल कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं जिससे नोएडा में 80 मामले हो चुके हैं। वहीं सीतापुर में भी आज एक कोरोना का मरीज मिला है। वहीं सीतापुर में कोरोना के 14 मरीज हो गए हैं। और वहीं हमसे बातचीत करने के लिए LR कुमार SP सीतापुर लाइव जुड़ गए हैं। LR कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। LR कुमार जी, जिस तरह से देखा जाए अगर हम सीतापुर की बात करें तो सबसे पहले एक कोरोना का मरीज था वो पॉजिटिव आया और अब जो आंकड़े हैं वो 14 हो गए हैं, 14 मरीज वहां पर पॉजिटिव हो गए हैं। हाँ, ये सीतापुर में अभी आज के तिथि में हम लोगों का 14 पॉजिटिव केसेस है और ये कुछ लोग निजामुद्दीन तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग थे, उनका और उनसे संबंधित कुछ प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में आए थे वो लोग है। वो लोग अभी इलाज L1 हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल कैराबाद में इनका इलाज चल रही है, आज 9वीं दिन उनके इलाज चल रहा है। इसके अलावा आज भी एक हमारे पास एक पॉजिटिव केस आई है, वो भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एक पॉजिटिव मिला है, उनको हर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रही है और कैराबाद को हॉटस्पॉट मानते हुए हम लोग वहाँ पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। उसमें कितना भी एरियाज को सील कर अंदर और बाहर जाने का बैन लगा दिया गया है। कितना भी आवश्यक सामग्री है, एसेंशियल सप्लाईज और मेडिकल सप्लाईज है, डोर टू डोर डिलीवरी किया जा रही है और पब्लिक भी कोऑपरेशन लिया जा रही है और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखा जा। उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगह हैं जहां पर जिनको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, यानी कि वो जगह जहां पर कोरोना के मरीज ज्यादा पॉजिटिव हैं, तो उनको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? ये खैराबाद पूरा कस्बे में हम लोग लगभग 80,000 लोग अभी होम क्वारंटाइन पे है और उसमें लगभग हमारा 8,000 के लगभग परिवार को हर डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया गया है
और सबको 14 दिन क्वारंटाइन में रखा गया है। इसके अलावा कितना भी आवश्यक वस्तु है उसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी किया जा रही है। एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसमें अधिकारियों का नंबर दिया गया है और उसमें भी कोई भी किसी का भी कुछ आवश्यकता पड़ेगा तो वो उसमें फोन पे बात कर उसकी आवश्यकता पूर्ति किया जा रही है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और सारे टीम, मेडिकल टीम साथ में स्क्रीनिंग में लगी हुई है और पूरा निगरानी रखा जा रहा है। बिल्कुल एलआर जी, लॉकडाउन को लेकर अगर हम बात करें, लॉकडाउन 2 के लेकर कितना प्रशासन तैयार है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, पिछले लॉकडाउन की बात करें, 21 दिनों का ये लॉकडाउन था और किस तरह से हम लगातार रोज ही देखते थे, लगातार तस्वीरें भी आती थी कि तमाम लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं राशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए। और अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि ये जो लॉकडाउन 2 है इसका और सख्ती से पालन कराना है प्रशासन को, उसके लिए कितना तैयार है प्रशासन? लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के लिए आदेश और निर्देश हमें हमें मिला भी है और उसमें हम लोगों ने कल रात में कितना भी हमारा पुलिस के व्हीकल्स है और 112 के व्हीकल्स उसमें लगातार प्रचार कर रहे थे और हम लोगों ने बोला है सब लोगों को अगले मई 3 तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और पब्लिक से सहयोग ले रहे हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने 600 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने के लिए अभियोग पंजीकृत किया है, कुछ लोगों को भी गिरफ्तारी किया है और कितना भी बिना मतलब का कोई भी काम के बिना कोई मोटरसाइकिल पे जाते हैं उस पर भी चालान कर उस पर भी कार्रवाई किया जा रही है और पब्लिक से भी कॉपरेट किया जा रही है। इसके अलावा आपके बात सही है, कहाँ बैंक और रेशन की दुकान पे भीड़ लगी हुई है बट वहाँ हम लोग एनएसएस वॉलंटियर्स और पुलिस कर्मचारीगण को लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बैंक से भी सहयोग लिया जा रहा है। टोकन सिस्टम भी हम लोग दिए हैं उन लोगों को सो दैट उस समय के अनुसार किसी कस्बे के लोग समय के अनुसार आकर उसी पे ले लें और सोशल डिस्टेंसिंग प्रयास किया जा रही है पूरा पब्लिक के से। बिल्कुल, इस तरह जिस तरह से आपने पहले बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े लोग जो लगातार जिसकी वजह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और सीतापुर में भी कुछ इसी तरह के हालात, लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी तबलीगी जमात यानी कि दिल्ली के निजामुद्दीन में शामिल होने गए थे वो अपनी जानकारी खुद ब खुद पहुँचाएँ प्रशासन तक और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाना है वो लिया जाए। तो क्या इस तरह की जानकारियां आपको मिल रही हैं? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लगातार, अगर हम पिछले समय की बात करें 10 या 12 दिन लगातार जो लोग बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग तबलीगी जमात में शामिल हुए थे वो भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हाँ, हमारा जनपद में कितना भी केसेस अभी भी डिटेक्ट हुआ है, सारे तबलीगी जमात से जुड़े हुए और उससे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स का ही है और ये सारे प्रशासन और पूरे पुलिस को भी और नीचे लेवल को भी सख्ती से इसको निपटाने के लिए बताया गया है और कोई भी इसको ऐसे मामले को छुपाएंगे और कई किसी को भी छुपा कर रखेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। अभी तक कितना भी लोग हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके ट्रेस किया है लोकल अभिसूचना के माध्यम से और सर्वेलेंस की काफी मात्रा में यूज करते हुए हम लोगों ने कितना भी लोगों को आइडेंटिफाई किया है, सबका भी टेस्ट कर रहे हैं हम। चलिए एलआर कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार प्रशासन पूरी तरह से तैयार है लॉकडाउन 2 का पालन कराने के लिए, जनता से लगातार सहयोग की अपील की जा रही है कि लॉकडाउन आपके लिए किया गया है और इस लॉकडाउन का पालन करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।